हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑफ बीए इंग्लिश जनरल प्रोग्राम। इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये जुलाई 2024 और 2025 के लिए असाइनमेंट है। सबसे पहले हमारे चैनल पे ये अपलोड किया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश इन डेली लाइफ का आपका ये असाइनमेंट है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे मेंशन है, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जून एग्जामिनेशन के लिए जो 30 अप्रैल तक वैलिड है और दिसंबर एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर तक वैलिड है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपको 150 वर्ड्स में हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है। यहाँ पे लिखा है 5 × 10। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर अ लोकल डेली पॉइंटिंग टू अ सडन राइज इन थेफ्ट केसेस इन योर एरिया। आपके एरिया के अंदर थेफ्ट के केसेस, चोरी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो सब बताना है। यहाँ पे आ गया सबसे पहले आपका एड्रेस, डेट, एडिटर, आप न्यूज़पेपर जिसको बता रहे हो वो, न्यू दिल्ली, देन सब्जेक्ट। यहाँ पे आप थेफ्ट को भी ऐड करोगे, ठीक है, बर्गलरी और यहाँ पे थेफ्ट। उसके बाद यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कितने टाइम ड्यूरेशन से ये चीज़ देखी जा रही है, और आप ये भी बताओगे कि आपने क्या क्या एक्शंस ले चुके हो, लेकिन उन एक्शंस का अभी तक कोई भी रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिला। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। आपके जो लोकेलिटी में लोग रह रहे हैं वो कितना ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं, कितने ज़्यादा डरे हुए हैं उन केसेस की वजह से, और आप ये बता रहे हो कि आपने FIR भी इसके खिलाफ लॉन्च कर रखी है, आपने लोगों को बता रखा है, पुलिस को बता रखा है। इस वजह से ये इन सब चीज़ों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तब आप क्या कर रहे हो, एडिटर को थेफ्ट और बर्गलर से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको लेटर लिख रहे हो अपनी फ्रेंड को। आप एग्जामिनेशन में आपका जो फ्रेंड है वो अच्छे मार्क्स से पास आउट हुआ है, सक्सेस मिली है उसे, जिसकी वजह से आप लेटर लिख रहे हो। तो इसमें बहुत डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली नाम लिखोगे। नाम लिखने के बाद आप उससे पहले पूछोगे कि ठीक हो आपकी क्या, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल सिनेरियो है ना। दो टाइप हो गई ना, एक तो ये हो गया फॉर्मल जिसमें आपने पूरी डिटेलिंग मेंशन करी, और एक हो गया आपका इनफॉर्मल वाला। एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे ये जो लेटर है, यहाँ पे आपको ये बताया है कि आपने बहुत मेहनत की थी तभी आपको उसका रिजल्ट मिला है ना, और ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगा, आप उस सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहोगे, आपको ये जो भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वो अपना काम कर पाए ना। थर्ड क्वेश्चन इज, एक डायलॉग लिखना है दो स्टूडेंट के बीच में ऑनलाइन एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हुए। तो यहाँ पे मैंने दो पर्सन दिए हैं, मार्या और सार्या, आप जो मर्जी नाम ले सकते हो, डायलॉग हो रहा है उनके बीच में। अब ये कन्वर्जेशन इम्पॉर्टेंस और कुछ ना कुछ जो डिमेरिट्स फेस कर रहे हो, क्योंकि जब हम कन्वर्जेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें, कुछ ऐसे भी पहलू होते हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ता है, तो उनके बारे में भी आप बता रहे हो। पहले पूछ रहे हो कैसे हो, फिर वो बता रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, कन्वर्जेशन हो रही है। फिर आप यहाँ से नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनकी कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई है, और वो कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत क्रिएटिव है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पैंडमिक में कहीं ना कहीं हमारी स्टडी रुक जाती, लेकिन उसके बाद ये बता रहे हैं कि कुछ उन्हें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है उससे रिलेटेड, कि सीरियसनेस नहीं होती, वो अपनी इतनी अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, फोकस को लूज़ कर देते हैं। बाकी जब सारी कन्वर्जेशन हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपनी कन्वर्जेशन को या अपने डायलॉग को एंड अप कर देते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज, डायरी एंट्री है, मेमोरेबल डे जो आपने अभी तक स्पेंड किया हो, कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपने पहले डेट डालोगे फिर डियर डायरी लिखोगे,
उसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि कौन सा दिन आपको लगता है कि ये बेस्ट है। वो ट्रिप भी हो सकता है, वो कोई ऐसा डे भी हो सकता है, बर्थडे भी हो सकता है, कोई पार्टी अटेंड की आपने, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप बताओगी। जैसे कि हम पिकनिक वगैरह जाते हैं स्कूल टाइम पे, तो वो भी डे हो सकता है। तो यहाँ पे गोवा ट्रिप की बात हो रही है, और आप उससे रिलेटेड मेमोरीज ज़रूर से शेयर करोगे, आपने कैसे कैसे वहाँ पे प्रॉपरली परफॉर्म किया। और क्योंकि ये एक डायरी एंट्री है, यहाँ पे जो कन्वर्जेशन होती है ये आप पास्ट के बेसिस पे करते हो, है ना, जो पास्ट में हुई है कन्वर्जेशन उसके बेसिस पे। तो थोड़ी ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ये चीज़ें खुद फॉर्म कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज आपने क्या क्या वहाँ पे देखा, बहुत ध्यान से आपने क्या क्या फील किया, आपको क्या क्या एक्साइटिंग लगा, और मेमोरेबल मूवमेंट कौन कौन से थे, मूवमेंट कौन कौन से थे। ठीक है, और आप क्या क्या, और मतलब ऐसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कुछ अलग। फिर उसके बाद ये आप डायरी एंट्री अपनी कंप्लीट करोगे अपने नेम के साथ। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वाला है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, और जो कि आपका कहीं ना कहीं और क्रिएटिविटी को, जो स्टूडेंट्स खुद लिखना चाहते हैं सारी की सारी डिटेलिंग, उनको कोई आइडियाज़ चाहिए तो वो, उसके लिए मैं बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव पैसेज ऐसा होता है जहाँ पे आप कोई भी पर्सन को या कोई भी एरिया को या कोई भी लोकेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप क्या कह रहे हो कि कोई पर्सन को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ना केवल आप उसके बारे में बताओ, आप ऐसा हो कि वो सामने वाला पर्सन आपके आंखों के सामने आ जाए, जिसके बारे में भी आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, जिसके बारे में, मान लो मैंने मदर के बारे में लिया है, आप मान लो हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप बताना चाहो। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि इस पर्सन ने मुझे एडमायर किया, या ये रोल था उसका, उसकी डिस्क्रिप्शन बताओगे कैसा दिखने में है। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली डिस्क्रिप्शन, इज उसका क्या रेगुलरिटी है, वो क्या आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, उनकी हर एक चीज़ को कंपेयर करोगे किसी और चीज़ के साथ, आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें, जैसे मदर के बारे में मैंने बताया है इसके अंदर। तो इसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ के आइडियाज ले सकते हो, और जिसको इसको लिखना है वो लिख भी सकते हो। मैंने इसको बहुत ही प्रिसाइसली डिफाइन किया है सारी एक चीजें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांच पार्ट को कवर किया है मैंने इसमें, बहुत ही ज्यादा काम कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिल पाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम कर पाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बी हैप्पी स्टूडेंट्स।